हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडमंड स्पेंसर की सोनेट नंबर 75, जिसका टाइटल है वन डे आई रोट हर नेम, का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी सोनेट का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और अगर आप एडमंड स्पेंसर के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एडमंड स्पेंसर एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई और भी सॉनेट के बारे में जानना चाहते हैं एडमंड स्पेंसर की, तो सॉनेट का टाइटल डालिए, सॉनेट नंबर और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। तो दोस्तों, ये सॉनेट एडमंड स्पेंसर के कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है, जिसका टाइटल है इमोरिटी, इसे लिया गया है, जिसमें टोटल 89 सॉनेट्स हैं। और इसको एडमंड स्पेंसर ने 1595 में पब्लिश किया था। और ये सॉनेट्स जो है उसकी बिलीवर्ड एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस की गई हैं। और इन सॉनेट्स में एडमंड स्पेंसर ने अपने बिलीवर्ड को और जो अपने प्यार को इमर्टलाइज करने की कोशिश की है, कैसे, अपनी पोइट्री के थ्रू। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि हम जानते हैं, सॉनेट में 14 लाइंस होते हैं, वैसे ही इसमें भी है, 3 क्वाटरेंस हैं और 1 कपलेट है। तो अब हम सॉनेट को शुरू करते हैं। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। अब यहाँ पर स्पीकर बोलता है, पोएट बोलता है कि एक दिन आई रोट मैंने लिखा हर नेम उसका नाम अपॉन द स्ट्रैंड रेत पर, यानी जो समंदर के किनारे जो बीच होता है, रेत होता है वहाँ पर। तो एक दिन मैंने उसका नाम रेत पर समंदर के किनारे लिखा। बट केम द वेव्स, लेकिन लहरें आई, एंड वॉश्ड इट अवे, और उन्होंने उसको साफ कर दिया, क्लीन कर दिया एंड मिटा दिया। एंड आई रोट इट अगेन विद अ सेकेंड हैंड। अब यहाँ पे सेकेंड हैंड का मतलब कि दूसरे हाथ से नहीं, बल्कि दोबारा। तो फिर पोएट बोलता है, स्पीकर बोलता है कि आई रोट इट अगेन, मैंने उसे जो है अगेन, फिर आई रोट इट, मैंने उसको फिर दोबारा लिखा उसके नाम को। बट केम द टाइड, लेकिन इस बार फिर टाइड आया, यानी समंदर की लहरें आई, एंड मेड माई पेंस हिज प्रे, और मेरे पेंस को, यानी जो मैंने बहुत मेहनत से उसका नाम लिखा था, बहुत दिल से लिखा था, उसको अपना शिकार बना लिया, यानी उसको फिर मिटा दिया। सेकेंड स्टैंजा, वेन मैन सेड शी, फिर बॉयल ने कहा या मेरी बिलवेट ने कहा, वेन मैन, तुम बेवकूफ आदमी हो, दैट डस्ट इन वेन अस ए इमॉर्टल थिंग्स सो टू इमॉर्टलाइज, तुम क्यों बेवकूफ हो, क्योंकि तुम एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टलाइज करने की जो है बेकार कोशिश कर रहे हो। वेन मीन्स बेकार, ऐसे मीन्स जो है कोशिश करना, अटेम्प्ट करना। तो तुम एक मॉर्टल चीज को इमॉर्टल बनाने की बेकार कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है, हमको एक दिन मर जाना है, खत्म हो जाना है, बर्बाद हो जाना है। फॉर माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके एंड ईक माई नेम बी वाइब्ड आउट लाइक वाइज। फिर यहाँ उसकी बिलवेट बोलती है, क्योंकि आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके, इस तरह से मैं भी जो है एक दिन बर्बाद हो जाऊंगी। डिके मीन्स जो है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, क्योंकि हम जो है मॉर्टल हैं, हम एक दिन ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एंड ईक माई नेम, यहाँ पर ईक मीन्स भी है, एंड ईक माई नेम, और मेरा नाम भी वाइप्ड आउट, इसी तरह से वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लाइक वाइज मीन्स इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर ये जो है सैंड पर मेरा नाम वॉश हो जाता है, धुल जाता है, उसी तरह से मेरा नाम भी हमेशा के लिए धुल जाएगा, यानी मुझे कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। फिर तीसरा स्टैंजा देखते हैं, नॉट सो कोड आई, मैंने कहा, मैंने रिप्लाई दिया, नॉट सो, ऐसा नहीं है, लेट बेसल थिंग्स डिवाइज। अब यहाँ पर पोएट बोल रहा है, स्पीकर या स्पेंसर या लवर बोल रहा है कि जो है लेट बेसल थिंग्स डिवाइज, जो बेसल थिंग्स है, यानी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, उनको डिवाइस में सोचने दो, उनको इमेजिन करने दो। क्या इमेजिन करने दो, टू डाई एंड डस्ट, की वो मर जाएंगी और खाक में मिल जाएंगी। बट यू शैल लिव बाई फेम, लेकिन यू शैल लिव, तुम रहोगी बाई फेम, अपने जो है फेम, तुम इतना फेमस हो जाओगी और कि तुम रहोगी, तुम हमेशा अमर हो जाओगी, रहोगी। और फेमस कैसे होगी, माई वर्स योर वर्चूज रेयर शैल इटरनाइज,
क्यों फेमस होगी? क्योंकि माई वर्स, मेरी पोएट्री, योर वर्चूज रेयर, जो तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चूज हैं, जो तुम्हारी खूबियां हैं, उनको क्या करेगी? इटरनाइज कर देगी, यानी उनको इमॉर्टल बना देगी, यानी उनको अमर बना देगी तुम्हारी खूबियों को। एंड इन द हेवेंस राइट योर ग्लोरियस नेम, और इन द हेवेंस आसमानों में लिखेंगे क्या, यानी मेरी पोएट्री। मैं तो यहाँ पर रेत पर लिख रहा हूँ, सैंड पर लिख रहा हूँ, जिससे लहरें आती हैं उसको साफ कर देती हैं, धुल देती हैं, मगर मेरी पोएट्री तुम्हें इतना ज़्यादा फेमस बना देगी कि तुम्हारा नाम आसमानों पर लिखा होगा। राइट योर ग्लोरियस नेम, जो तुम्हारा शानदार नेम है, ये कहाँ पर होगा? आसमानों पर होगा। यानी मेरी पोएट्री इतना पॉपुलर हो जाएगी कि लोग तुमको पढ़ेंगे और फिर तुमको कभी भूल नहीं पाएंगे, तुम अमर हो जाओगी। फिर कपलेट में जो लास्ट के टू लाइन्स है, इसमें स्पीकर बोलता है, वेयर वेन एज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू। और फिर बोलता है, जबकि डेथ पूरे वर्ल्ड को क्या करेगी? सबड्यू कर देगी, अपने बस में कर लेगी, यानी सबको, पूरे वर्ल्ड को क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। आवर लव शैल लिव, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और यहाँ तक कि जो आने वाली जनरेशन है, यानी हमारे मर जाने के बाद भी जो आने वाली जनरेशन हैं, मेरी पोइट्री को पढ़ेंगी, और इस तरह से हमारा प्यार भी रिन्यू होता रहेगा और हमेशा फ्रेश रहेगा।